सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन में आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मेले में लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। इसी अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन में आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन किया गया था, जहाँ मेडिकल कॉलेज से आए डॉक्टरों की टीम ने मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टरों द्वारा सभी मरीजों का परीक्षण कर उन्हें उचित इलाज भी ऑन द स्पॉट प्रदान किया गया। राम खेलावन पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर से लेकर जिला स्तर तक आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया है, जिससे हर मध्यम वर्ग के व्यक्ति का भला हो रहा है। यहाँ पर लोगों का इलाज हो रहा है और यदि किसी को आगे भी इलाज की जरूरत पड़ी तो उसका इलाज मेडिकल कॉलेज और अन्य जगह पर कराया जाएगा। बीएमओ सूरज ठाकुरिया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से 11 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई हुई है, जिन्होंने जनता का इलाज किया। मेडिकल कॉलेज के 11 विशेषज्ञ आए हैं। सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन और जांच शुरू है, 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन और जांच शुरू होगी। जिनका इलाज यहीं संभव उनका इलाज यहीं हो जाएगा, बाकी लोगों का परीक्षण करने के बाद जिसका जिले में होगा जिला भेजा जाएगा। नहीं, कॉलेज में होना चाहिए, तो आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने का काम होगा। मेडिसिन के डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जरी वाले हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, और इसके अलावा हमारे अमरपाटन सिविल हॉस्पिटल में 4 स्पेशलिस्ट और 5-6 जितने मेडिकल ऑफिसर्स, सबकी ड्यूटी लगाई गई थी। सब ने जो है अमरपाटन की जनता को, यहाँ की हितग्राहियों को इलाज किया है एवं दवाई वितरण का कार्यक्रम इस आयुष्मान मेले में हुआ है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्वरंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।